देन उसके बाद थर्ड पार्टी का इंफ्लुएंस हमें देखने को मिलता है गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स, बहुत सारी मल्टीपल क्लस्टर्स हुए थे, बट अभी के लिए ध्यान रखना है वापस से गॉडलाइक ईस्पोर्ट्स नामक ये जो टीम है वो चैलेंज करती नजर आएगी। यूजुअली देखा जाए इनकी झड़प हो तो जरूर सकती है टीम यासना की तरफ, लेकिन अभी के लिए अलग अलग उतरे थे, लेकिन अभी रोटेशन क्लैश के दौरान क्या ही कमाल का जेरी कंफर्मेशन कर देते हैं और वो भी कंपाउंड के अंदर भी, तो अभी के लिए उस पर नुकसान फेस करती नजर आएगी। दूसरी तरफ टीम एक्सपार्क एक एक करके बाहर का रास्ता एडमिरल करेगा, वो उस सेकंड इनर से वंचित तो रहता नजर आएगा, लेकिन सारंग यहाँ पर निकालेंगे फाइनली। चलिए को वहां पर एक नॉकआउट मिले, बस ध्यान रखें पिछले मुकाबले लो टॉस फुल टॉस, लो टॉस या फिर फुल टॉस, वो अभी के लिए यूटिल्स को इसी तरह से फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं यहां पर अपनी यूटिल्स का। बट अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन द सर्कल, सर्कल अगर फेवर नहीं करे चीजें बदलेंगी। हाइड्रा एक और बुरा प्रदर्शन आपको यहां पर देख सकता है, बिकॉज दो ही प्लेयर्स मुझे अभी हाइड्रा के दिख रहे हैं और उनमें से भी एक लाइट ड्रीम्स को डाउन किया, स्पर्श की तरफ बढ़ने की कोशिश रहेगी एडमिन की जरूरत है और ग्रेनेड्स के साथ वो एंट्री करना चाहेंगे। ग्रेनेड्स आपको निकलती दिखेंगी और ग्रेनेड अभी तक तो वैल्यू नहीं मिली, बट उस खिलाड़ी की पोजीशन वो आपको यहाँ पर खिलाड़ी को लेकर जाने में सक्षम रहेंगे, बट फिर सही टाइम पर एडमिन आएंगे समाप्त करेंगे और टीम हाइड्रा वो भी यहाँ से समाप्त दिखेगी और हाइडसेट करने की कोशिश है, स्मोक्स किए जाएंगे आप बाहर बैठे और जो आप एंट्री करेंगे तो कुछ ये हाल होने वाला है। डब्ल्यूएसबी के साथ हो रहा है टीम बढ़ने के बाद मोकन सिम्बी और एमओ देखिए वो तो बैठे ही हैं स्प्रेड आउट करने के लिए लोगों को। आप ये स्मार्टनेस आप देख ही सकते हैं, रूफ टॉप की तरह स्मोक डाले, स्मोक के बिल्कुल एजेस से अपना वो पीक लेके खड़े रहिए, रेडियस ओपन कीजिए और आपके सामने नॉकआउट्स मिल जाएंगे और सेम वही चीज बार बार रिपीट कर रहे हैं और उसमें उनको जो फायदा मिल रहा है तो पीछे क्यों हटना, और एक खिलाड़ी अकेले नहीं चार सकते उसके साथ देते नजर आएंगे, लेकिन यहाँ तो और भी टीम टूटती पड़ती नजर आने वाली है, लेकिन वो बहुत ओपन में रूफ टॉप में इस तरह से ओपन में रहना खतरे से खाली है। जोनाथन के लिए तो नॉकआउट हो जाएंगे, तो शायद सिम्प की वो जिम्मेदारी है उनको यहाँ पर अभी तो पैरों के बल खड़े करना, लेकिन और भी टीम्स आ चुकी है यहाँ पर, बट सामने सेम प्ले निकाले मारने को इंस्टेंट नॉक इनसे समाप्त कीजिएगा, दूसरा खिलाड़ी भी आ चुके हैं उनके ऊपर स्लैमिंग करते हुए सेम एयर एस पावर की जंग, देखते हैं कौन निकाल पाएगा, लेकिन अभी के लिए उसको भी घुट्टों के बल लेकर आ जाएंगे और देखते ही देखते क्या कमाल का डिफेंस करा है। लेकिन हाँ इस बैटल में इस डिफेंस में कुछ थर्ड पार्टी वाले एंट्री की कोशिश रहेगी, P90 आपके पास है, 50 गोली आपके पास है, बट क्या वो एंट्री हो भी पाएगी, पिक्सल भर से बचते दिखे और उस फाइट से भी बचते दिखे, क्रिप्टो अगर वो पुश करके बड़े आराम से कंफर्मेशन ढूंढा जा सकता था, स्काउट ऑफ फर्स्ट पॉपिंग करेंगे जरूर से ढूंढा जा रहा है कि स्काउट गए गएगा और अगर ये फर्स्ट पॉप हुआ और वो P90 चलती दिखी तो कंफर्मेशन था, जॉनथन के द्वारा डाउन किया गया था और लीजिए एडमिनो के द्वारा कंफर्म किया स्काउट सेफ हो जाकर हो सकता है इस पर्टिकुलर, लेकिन ये क्या मोक्स यहाँ पर हम स्टेट को आगे बढ़ते दिख रहे, ग्रेनेड का एक और इस्तेमाल चलता दिखेगा जरूर, बगल से बड़ी स्प्रेज और यहाँ समापन एडमिनो जीवन दान देते दिखेंगे टीम को वापस से यहाँ पर और लीजिए कनेक्शन थोड़ी सी मुश्किल रहेगा यहाँ पर और अभी के लिए रीसेट टीम गॉडलाइक खेलने के लिए डोंट हैव अ वेरी गुड एंगल टू यू नो प्ले अराउंड द एरियाज, बट अगर टीम गॉडलाइक यहाँ पर अपनी कमान संभाल ले वो सक्षम कर ले तो चीजें बदल सकती है और जॉनथन अनदर टीम तमिलाज एडवांटेज आपके पास है, सर्कल के एरिया पे टीम आपको अंदर आती दिखेगी गॉडलाइक, लेकिन नहीं वो एक गलती पीक करने की और कंपनी को कंपटीशन देने के लिए तैयार बैठे। अंदर से यहाँ पर नॉकआउट निकाला जाएगा, मिस्टर आईशियल को कर दिया जाएगा, लेकिन इस दौरान यहाँ पर गलती से भी नॉकआउट होने की गलती नहीं करनी है। आप जॉनथन एम गेम पे सारी गलती डिपेंड करेंगी, डीपीएस के साथ निकलना चाहेंगे जरूर से कनेक्शन ढूंढा, एचपी कंफर्मेशन निकाला टीम।